सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। सो गाइस, आज का वीडियो कुछ ऐसा ही होने वाला है कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि चैनल हैक होने से आखिर गाइस फायदा है या फिर नुकसान। जैसे कि गाइस आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि आज इनका चैनल हैक हो गया तो कभी उनका चैनल हैक हो गया, वैसे गाइस बहुत ही ज्यादा चैनल हैक होते हैं। तो गाइस आज वही मैं बताऊंगा, कभी हो सके कि मेरा भी चैनल हैक हो सकता है, क्योंकि गाइस देखिए डिजिटली वर्क कर रहे तो कोई ठीक नहीं है। हैक वगैरह सबके होते रहते और सबके होते ही है, बट गाइस हैक जब आप सुनोगे, अचानक आप लोग गाइस सुनोगे कि आपका चैनल हैक हो गया, तब गाइस आप लोग को तो थोड़ा सा खराब लगेगा ही और सबको ही लगता है, ठीक है। लेकिन गाइस चैनल हैक होने से बहुत ही बड़ा अगर मैं कहूँ कि फायदा है तो ये गाइस आप लोग अभी नहीं मानोगे। तो चलिए गाइस मैं वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे चैनल हैकिंग से फायदे हैं या फिर नुकसान। तो गाइस जैसे कि कल हमारे एक भाई का चैनल हैक हो गया, ये टेक्निकल, ठीक है। तो गाइस खराब तो लगता है यार, चैनल जब किसी का हैक हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न भी आ जाएगा अगर वैसा कुछ उपाय लगाए वो ये टेक्निकल भाई, तो चैनल रिटर्न आ जाएगा। खैर छोड़िए गाइस, हम लोग इस मुद्दे पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारा मेन मुद्दा है ये कि मैं बहुत ही दिन से सोच रहा था कि ये टॉपिक पे वीडियो लाऊं, बट आज वो मौका है कि आप लोग को मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि गाइस आप लोग को भी कुछ पता चलेगा कि चैनल हैक होने से आखिर फायदा है या फिर नुकसान। तो गाइस मैं अगर आप लोग को बताऊं कि चैनल हैक होने से बहुत ही अच्छा फायदा भी होता है तो गाइस आप लोग नहीं मानोगे, बट गाइस मैं आप लोग को वीडियो में चलिए बताऊंगा, उसके बाद आप लोग गाइस कमेंट करके बताना कि क्या ये बात सही है या फिर गलत। तो गाइस चलिए बताते हैं। तो गाइस देखिए, चैनल हैक अक्सर आप लोग सुनते हो और ये किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, लेकिन गाइस जब हो जाता है तब तो खराब लगता है कि गाइस मेरा इतना दिन से मेहनत पे पानी फिर गया। चैनल हैक हो जाना मतलब बहुत ही ज्यादा दुख लगता है यार, किसी का भी वो ठीक है। लेकिन गाइस आपको फायदा तब होगा कि आपका कोई आपका सोशल मीडिया पे अगर आप लोग फैन फॉलोइंग अच्छा खासा बना करके रखे हो, या फिर आपका कोई सोशल मीडिया पे दोस्त हो, यूट्यूबर पर दोस्त जो कि वो भी आपका हेल्प कर सके, तो गाइस इससे आपको एक फायदा है कि आपका चैनल तो रिटर्न आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपका चैनल रिटर्न हो ही जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि फायदा आखिर कैसे होता है। तो गाइस मान लीजिए कि एग्जांपल में मैं मेरा ही चैनल को ले लेता हूँ कि मेरा चैनल चलिए हैक हो गया, ठीक है। तो अब गाइस क्या होगा कि मेरे साथ जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं या फिर मेरे फैन फॉलोइंग जितने भी मुझे मतलब जानते हैं या फिर कोई ऐसे है, ठीक है, जो मेरे फैन फॉलोइंग है, जो अपने क्लोजली है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे कि मेरे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे कि इनका चैनल हैक हो गया। अब गाइस मान लीजिए कि आपका वीडियो को 100 ही बंदा देखता है, ज्यादा बंदा नहीं देखता, 100 बंदा देखता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका 100 बंदा देखता है तो 100 बंदा मुझे जानता होगा, आपका जो जितने भी बंदा आपका वीडियो देखता है वो मुझे जानता होगा, ऐसा नहीं। तो अब गाइस क्या होगा कि आप बनाओगे वीडियो की अपडेट ज्ञान भाई का चैनल हैक हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या सोचेंगे कि आखिर अपडेट ज्ञान कौन है, उनका चैनल हैक हो गया। और गाइस एक चीज तो मैं आप लोग को रियली प्रैक्टिकल बता दो कि जब आप लोग अपने जितने भी आप लोग जो यूट्यूबर को आप लोग चाहते हो, ठीक है, और जिनका आप लोग वीडियो रेगुलर देखते हो, अब गाइस आपको अगर कह दिया जाए कि उनका चैनल हैक हो गया, तो आप लोग गाइस सुनने के बावजूद भी आप लोग एक बार सर्च बार पे सर्च करोगे ही या फिर सर्च करके देखोगे कि उनका चैनल रियली हैक हुआ। जब आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ उनका चैनल हैक हो गया, तब यार आप वीडियो भी बना सकते हो कि वीडियो बना लिए कि अपडेट ज्ञान भाई का चैनल हैक हो गया, मेरा ही चैनल का एग्जांपल बताते हैं। तो अब गाइस क्या होगा कि आपका जो 100 बंदा देखता होगा ना वीडियो, तो अब वो 100 बंदा सोचेगा कि आखिर अपडेट ज्ञान कौन है अगर वो नहीं जानता है। तो अब क्या होगा गाइस, धीरे धीरे जो मेरा नाम का चैनल का क्रेज था वो बढ़ जाएगा कुछ गुना ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए मेरे अगर 2000 पहले बंदे देखते थे, तो अब क्या होगा जितने भी बंदे मेरे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, ऐसा होता है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा नहीं हुआ है, बट ऐसा क्या होता है कि स्प्रिंटिंग यंग भाई का ही चैनल हैक हो गया या फिर बड़े बड़े जितने भी चैनल हैक हो जाते हैं ऐसा ही होता है। अदर यूट्यूबर जितने भी है वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो में से ऐसा नहीं कि सब व्यूवर्स उनको जानते थे पहले से, कुछ व्यूवर्स है कि नहीं जानते थे, तो अब गाइस उनको जानने लगे कि इन भाई का चैनल हैक हो गया। अब गाइस वो सोचेंगे कि आखिर कब रिटर्न आ रहा, उनका चैनल देखूंगा कि आखिर वो कैसा वीडियो बनाते थे। तो गाइस इस प्रकार हो जाता है चैनल वायरल, ठीक है। चैनल अगर आपका 20,000 सब्सक्राइबर है पहले, तो अब गाइस क्या होगा कि जितने भी बंदे आपको नहीं जानते थे वो भी आपको जानने लगेंगे धीरे धीरे कि आखिर इनका चैनल हैक हो गया। और धीरे धीरे तो अगर आपका एक चैनल अच्छा खासा बड़ा रहता तो वो गाइस धीरे धीरे वायरल हो जाता। तो गाइस उसी प्रकार जितने भी आपके बंदे नहीं जानते हो, धीरे धीरे कुछ ही बंदे, मान लीजिए कि 5 ही बंदे गए, बट गाइस वही एक्टिवली सब्सक्राइबर ही जाएंगे उनके पास और देखेंगे कि उनका चैनल कब रिटर्न आ रहा। अब गाइस क्या होगा, वो नाम का चैनल अगर कोई नहीं जानता था, मान लीजिए अपडेट ज्ञान नाम से चैनल नहीं जानता था, तो अब क्या होगा गाइस वो सबके पास चर्चित हो जाएगा कि अपडेट ज्ञान का चैनल हैक हो गया, कब रिटर्न आता। अब गाइस जब चैनल रिटर्न आएगा ना, तो उसके बाद सर्च होने लगेंगे और बहुत ही ज्यादा सर्च हो जाएंगे, उसके बाद गाइस गजब का फैन फॉलोइंग उसमें बढ़ जाता है, फॉलोवर्स मतलब सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे खासे बन जाते थे क्योंकि जितने भी बंदे नहीं जानते थे। अब गाइस मैं ही मान लीजिए किसी यूट्यूबर का वीडियो बनाया, ठीक है,
ये टेक्निकल भाई का ही बनाया। तो गाइस मेरा मान लीजिए सब्सक्राइबर कम है, 20,000 सब्सक्राइबर है और ये टेक्निकल भाई का 2,00,000 सब्सक्राइबर है मान लीजिए, ठीक है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स है ये टेक्निकल भाई को जानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन अब मैं आप लोग को बताया तो आप लोग के भी मन में हो रहा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कोई तो कि सोचेंगे कि ये टेक्निकल भाई आखिर कौन है। तो अब गाइस क्या होगा कि आप लोग सर्च कर करके देखोगे, जब आपके पास मिल जाएगा वो चैनल तो रिटर्न आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, उनके साथ भी ऐसे जितने भी यूट्यूबर है क्लोजली तो सब तो ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ सपोर्ट कर दीजिएगा उनको। गाइस चैनल हैक होने से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता, बट गाइस आप लोग का अब क्या होगा कि अब आप लोग सर्च करके देखोगे कि ये टेक्निकल भाई आखिर कौन है। तो गाइस ऐसे करके क्या हो जाता है कि धीरे धीरे चैनल का थोड़ा सा कुछ दिन के लिए तो क्रेज एकदम बिल्कुल ही बन जाता है। और गाइस इसी से कुछ चैनल को भी फायदा हो जाता है, जो लोग बंदे नहीं जानते थे वो अभी चैनल को जानने लगते हैं। तो गाइस चैनल हैकिंग से तो थोड़ा सा फायदा होता ही है, बट गाइस नुकसान उनको झेलना पड़ता है जो कि गाइस सोशल मीडिया पे अपना फ्रेंड सिर्फ नहीं बना के रखे हैं या फिर उनके फैन फॉलोइंग अच्छे खासे नहीं है, मतलब मान लीजिए 10,000-20,000 ही सब्सक्राइबर है, ठीक है, किसी का चैनल। आजकल तो गाइस छोटा छोटा चैनल भी हैक हो जाता है, तो मान लीजिए गाइस 10,000-20,000 सब्सक्राइबर है और वो फेस वैल्यू उनका नहीं बना हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे, और वो किसी यूट्यूबर से भी फ्रेंड सर्कल में नहीं बना कर रखे, अब गाइस उनको हेल्प कौन करेगा? हेल्प करने के लिए कोई तो रहना चाहिए, अब उनका मेन चैनल ही डिलीट हो गया, तो अब वो किससे हेल्प लेंगे? तो गाइस इसीलिए सोशल मीडिया पे अगर आप लोग फ्रेंड बना करके रखे हो ऐसे अगर कोई भी यूट्यूबर है तो गाइस उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका और फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा, और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।